जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का छठवां दिन यानी कि देवी कात्यायनी माता जी का दिन। तो जिस तरह नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा की जाती है, उसी तरह आज का जो दिन है वो कात्यायनी माता का है। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी की कथा। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्त सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर राक्षस का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोल फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। तो ये थी देवी कात्यायनी माता की छोटी सी कथा। और आपको पता है दोस्तों, कात्यायनी माता का जो छठवां दिन होता है, उनका मनपसंद कलर हरा है। जी हाँ, उन्हें हरा कलर बहुत ज्यादा पसंद है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा और उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से 9 दिन 9 माताओं की पूजा की जाती है। तो आज की थी कात्यायनी माता जी की कथा। तो हम भगवान से मिलकर प्रार्थना करते हैं कि देवी कात्यायनी माता जी सबकी रक्षा करें और सबकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। तो दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माता दी।